टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स अंडर 13,000 रुपीस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज के समय पर इस प्राइस पॉइंट के अंदर कोई अच्छा सा 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, साथ में आपको बेटर क्वालिटी की डिस्प्ले चाहिए, मल्टीमीडिया स्पीकर्स चाहिए, तगड़ी परफॉर्मेंस, तगड़े कैमरास और तो और लंबी चलने वाली बैटरी, तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस लिस्ट को और बात करते हैं सबसे पहले रेडमी का 12 5G। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये फोन आपको पूरी तरह से ग्लास बिल्ड पर मिल जाता है, हालांकि फ्रेम आपको प्लास्टिक की मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर IP53 की रेटिंग भी दी गई है, यानी कि वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाता है। और इन सभी के अलावा फोन सिर्फ 199 ग्राम का है। सो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर सुपर मिलती है। वहीं पर अगर हम बात करें फोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको मिलती है 6.79 इंचेस की एक बड़ी सी फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल। साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। 550 निट्स की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस मिल जाती है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट भी दी गई है। साथ ही आपको यहाँ पर वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी बजट के हिसाब से काफी अच्छी दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। सो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। सेल्फी की बात करें तो सेल्फी के लिए आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है। और रही बात इमेज आउटपुट की, तो डे लाइट में फोटोज वगैरह भी यहाँ पर अच्छी आती है। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। सो देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के मेन हाइलाइटेड फीचर की। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 4 Generation 2 का चिपसेट देखने को मिलता है। अच्छी बात यह है कि 4 नैनोमीटर पर बना हुआ है, तो हीटिंग भी काफी कम मिलती है। साथ ही ये बैटरी भी काफी कम कंज्यूम करता है, तो ये काफी अच्छी बात है। वहीं पर अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन AnTuTu पर लगभग 4,40,000 के आसपास स्कोर कर जाता है। सो इजीली आप यहाँ पर 40 FPS तक की गेमिंग कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर COD वगैरह खेलते हैं, और वो भी हाई सेटिंग पर। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है, परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है, जो कि 18W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर 22.5W का चार्जर देखने को मिल जाता है। साथ ही चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। सो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल भी यहाँ पर अच्छा है। फाइनली अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, लेकिन ऑडियो क्वालिटी अच्छी है। और तो और आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, यानी आप यहाँ पर एक साथ में एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर ही लॉन्च किया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको MIUI 14 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये भी अच्छी बात है। और वहीं पर अगर हम 5G बैंड्स की बात करें गाइस, तो ये स्मार्टफोन अप टू 7 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। बात करें प्राइसिंग की, तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 10,999 रुपए की कीमत पर। और प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो काफी अच्छा पैकेज है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले फोन की तरफ। और अगला स्मार्टफोन आपको डेफिनेटली काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है, और ये स्मार्टफोन है यहाँ पर Realme का C65 5G। बात करें फोन की, तो ये फोन भी आपको डिजाइन और लुक के मामले में Realme 12 सीरीज की तरह ही देखने को मिलने वाला है। डिजाइन लैंग्वेज में आपको यहाँ पर कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि ये स्मार्टफोन भी आपको पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ में मिल जाएगा, और साथ ही आपको यहाँ पर IP54 की रेटिंग मिल जाती है, तो हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है। वैसे आपको बता दूं कि फोन 7.9mm की थिकनेस और 190 ग्राम के साथ में आता है, तो काफी लाइट वेट और स्लिम फोन है, तो इन हैंड में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। इस फोन के अंदर लगी हुई 6.67 इंच की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ में आती है। साथ में आपको यहाँ पर लगभग 650 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, तो यहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी। हालांकि इंडोर में आपको कोई खास शिकायत नहीं आएगी, लेकिन आउटडोर में आपको यहाँ पर थोड़े से इश्यूज देखने को मिलेंगे। वहीं पर बात करें गेमिंग की, तो 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट मिलती है। सो प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिसेंट मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की बात करें तो आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है,
और अच्छी बात यह है कि डे लाइट में फोटोज भी काफी अच्छी आती हैं, लेकिन कभी कभी ये स्मार्टफोन थोड़ा सा फोटोज को ओवर एक्सपोज भी कर देता है। बाकी डे लाइट में आपको फोटोज में कोई खास इशू देखने को नहीं मिलते। और हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 fps। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आप यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस्ड मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का चिपसेट। जी हाँ दोस्तों, ये एक लेटेस्ट चिपसेट है जो कि आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करें ऑनटूथ स्कोर की, तो 4,33,000 के आसपास ये स्मार्टफोन स्कोर कर जाता है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी आपको मिल जाता है। सो ओवरऑल देखेंगे तो परफॉर्मेंस में, यानी कि डेली यूसेज में, आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती है। और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन आपको HD सेटिंग पर अप टू 40 fps तक की गेमिंग कराने में कैपेबल है। लेकिन अभी यहाँ पर एक छोटा सा इशू भी है कि यहाँ पर गेमिंग के टाइम पर ये स्मार्टफोन हल्का सा हीट होता है और उस दौरान टच यहाँ पर थोड़ा सा ठीक तरह से काम नहीं कर पाता, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी लगी हुई है जो कि 15 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। वैसे देखा जाए तो फोन का बैटरी बैकअप काफी अच्छा है और आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से मिल जाता है। अब बात कर लेते कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं, लेकिन ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है। और हाँ, यहाँ पर आपको हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, सो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 memory card लगा सकते हैं। वैसे UI की बात करें तो ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर आता है, जहाँ पर आपको मिलता है Realme का UI 5.0। और सबसे अच्छी बात, आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। रही बात 5G बैंड की, तो ये स्मार्टफोन अपटू 9 5G बैंड को सपोर्ट भी करता है। सो देखा जाए तो ये कम्प्लीट फोन है, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ भी देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 11,499 रुपये। वैसे स्मार्टफोन का 4 और 64 वाला वेरिएंट आपको मिल जाता है 10,499 रुपये की कीमत पर, तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी वेरिएंट यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है रियलमी की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च रियलमी का 12X। बात करें फोन की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलने वाला है। हालांकि दोस्तों डिजाइन और लुक आपको Realme 12 सीरीज की तरह ही देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलने वाले। साथ ही साथ फोन 7.9mm की थिकनेस और 190 ग्राम्स के साथ में आता है, तो काफी लाइटवेट और काफी स्लिम है, तो ये काफी अच्छी बात है। और इन सभी के अलावा IP54 की रेटिंग दी गई है, तो वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में आपको यहाँ पर कोई भी इशू देखने को नहीं मिलते। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई है 6.67 इंच की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, जहाँ पर आपको 800 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और हाँ, गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट भी मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस पॉइंट के अंदर आपको अच्छी दी गई है। अब बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि सैमसंग का S5K JN1 वाला सेंसर है, और यहाँ पर आपको F1.8 का अपर्चर मिलता है। इन सभी के अलावा 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप देखा जाए तो फोन का यहाँ पर ठीक है। रही बात इमेज आउटपुट की, तो डे लाइट में तो आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। रही बात लो लाइट की, तो प्राइस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिसेंट इमेजेस देखने को मिल जाती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें, तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 fps। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 6nm बेस मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस का चिपसेट। और दोस्तों यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए मिलता है आम वाली G57 MC2 का 2 कोर का GPU। अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये स्मार्टफोन ऑनटूथ पर लगभग 4,18,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, और देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर ये एक अच्छे स्कोर है। तो डेली परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। और हाँ, आपको यहाँ पर LPDDR4 की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई भी खास दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी और 45 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। सो ओवरऑल देखा जाए तो बैटरी मॉड्यूल भी फोन का यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, लेकिन आपको यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहें तो एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 memory card लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 पर लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको मिलता है One UI का 5.0। और साथ ही साथ यहां पर Realme ने ये भी प्रॉमिस किया कि आपको 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। सो देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी बात है। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन सभी 5G बैंड को सपोर्ट भी करता है, यहां पर भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलने वाले।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 11,999 रुपए। बट दोस्तों आपको यहाँ पर ICICI, HDFC और SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 1,000 रुपए तक का ऑफ मिल रहा है। तो इफेक्टिवली अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन को 11,000 रुपए की कीमत पर परचेस कर सकते हैं। बट अगर आपको यहाँ पर ज्यादा रैम चाहिए तो आप स्मार्टफोन के 6 और 128 वाले वेरिएंट को भी देख सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा 13,499 रुपए की कीमत पर। ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर एक अच्छा सा ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है वीवो की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च वीवो का T3X5G। बात करें इस फोन की तो दोस्तों ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है। हालांकि पिछले वीवो T2X के मुकाबले में आपको यहाँ पर डिजाइन थोड़ा सा और बेटर देखने को मिल जाएगा। साथ ही 8mm की थिकनेस और 199 ग्राम के साथ में आता है, तो इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा है। और हाँ, आपको यहाँ पर IP64 की रेटिंग मिल जाएगी, तो वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिलती है और फोन का लुक भी काफी कमाल का है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.72 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD पैनल, जहाँ पर आपको पैंडा ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर काफी अच्छी दी गई। और अच्छी बात यह है कि वीवो T2X के मुकाबले में आपको यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि और भी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिलेंगे, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि F1.8 अपर्चर के साथ में आता है, और साथ ही में आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट की बात कर ले तो फ्रंट में आपको दिया गया 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है। रही बात यहाँ पर आउटपुट की, तो डे लाइट में फोटोज काफी अच्छी आती हैं, फोटोज में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको नाइट मोड का सपोर्ट भी दिया गया है। वैसे इसके अलावा भी काफी सारे डिफरेंट मोड्स दिए गए, तो ये अच्छी बात है। वहीं पर अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बैक कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है अप टू 30fps, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि आपको यहाँ पर कोई OIS जैसे फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप 1080p पर रिकॉर्ड करते हैं तो आपको यहाँ पर EIS का फीचर देखने को मिल जाएगा। और अगर हम वीवो T2X से कंपेयर करें तो आपको यहाँ पर स्लाइटली बेटर इमेजेस देखने को मिल जाती हैं, तो ये अच्छी बात है। तो चलिए अब बात करते हैं फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 4nm Snapdragon 6 Generation 1 का चिपसेट, और दोस्तों ये इस प्राइस पॉइंट के अंदर आने वाला है काफी कमाल का चिपसेट है। ये औंधतु पर लगभग 5,60,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली काफी अच्छे स्कोर है। साथ ही आपको यहाँ पर एड्रेनो 710 का GPU देखने को मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पर BGMI जैसे गेम्स खेलते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको HD ग्राफिक्स पर हाई क्वालिटी की गेमिंग कराने में कैपेबल है। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको मिल जाता है, सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको 6000mAh का बड़ा सा बैटरा देखने को मिलने वाला है, और हाँ भाई, वीवो की तरफ से काफी बड़ी बात है। साथ ही साथ ये फोन 44 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है चार्जर बॉक्स के अंदर, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। तो 15,000 रुपए के अंदर देखेंगे तो ये भी काफी अच्छी बात है, और हाँ, आपको यहाँ पर बैकअप भी काफी अच्छा मिलता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक दिया गया, और हाँ, आपको यहाँ पर ड्यूल स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाते हैं डॉल्बी एटमॉस के साथ में, तो ऑडियो क्वालिटी भी यहाँ पर काफी अच्छी मिलती है। कार्ड ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और 1 memory card लगा सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर यूजर इंटरफेस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया एंड्रॉइड 14 बेस्ड फन टच OS 14 पर। यहाँ पर थोड़े मोड़े ब्लॉटर्स वगैरह भी रहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन भी काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल सॉफ्टवेयर से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो इसमें भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। और रही बात अपडेट्स की, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 15 का अपडेट देखने को मिल जाएगा, और पॉसिबली आपको यहाँ पर 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलने वाले। रही बात यहाँ पर प्राइसिंग की दोस्तों, तो 4 और 128 के लिए आपको देने होंगे 13,499 रुपए, बट बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा 12,499 रुपए कीमत पर। और प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। फाइनली दोस्तों बात करें लिस्ट के आखिरी और वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन की। जी हाँ दोस्तों, ये सैमसंग की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च सैमसंग गैलेक्सी F15 की। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन पूरी तरह से आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलने वाला है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। हालांकि 9.3mm की थिकनेस और 217 ग्राम का है, तो थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा बल्की जरूर है, लेकिन यहाँ पर बैटरी भी ज्यादा दी गई है, जिस वजह से स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा हैवियर साइड देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल आपको बिल्ड क्वालिटी से कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर AMOLED पैनल, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, 800 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। और सबसे अच्छी बात, आपको यहाँ पर 90 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगी, और साथ ही 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट सपोर्ट भी आपको दिया गया है।
हालांकि यहाँ पर पंच होल डिजाइन होता तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो डिस्प्ले क्वालिटी वो आपको काफी कमाल की मिलती है। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ में 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर दिया गया है। वहीं पर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। अच्छी बात यह है दोस्तों कि फोन का कैमरा बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर लेता है और यहाँ पर आपको डे लाइट साथ ही साथ लो लाइट में भी काफी अच्छी फोटोज देखने को मिल जाती है। वीडियो की बात करें तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा अप टू 30 fps और यहाँ पर आपको जायरो EIS का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही आपको यहाँ पर VDIS यानी कि वीडियो डिजिटल इमेज स्टेबिलाईजेशन का सपोर्ट भी दिया गया है, तो यहाँ पर आपके जो वीडियोस है वो भी ब्लर नहीं होंगी, यानी कि आपको यहाँ पर डिजिटल स्टेबिलाईजेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कैमरा के मामले में देखा जाए तो फोन काफी अच्छा है। बात करें फोन की परफॉर्मेंस की, तो फोन के अंदर आपको मिलता है 6 NM बेस MediaTek Dimensity 6100 प्लस का चिपसेट और दोस्तों ये स्मार्टफोन औसत पर लगभग 4 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। साथ ही आपको यहाँ पर अप टू 40 fps तक की गेमिंग कराने में कैपेबल है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर LPDDR4X की रैम भी मिल जाएगी। सो ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको परफॉर्मेंस डिसेंट ही मिलने वाली है। बात कर ले पावर हाउस की, तो बैक साइड में 6000 mAh का एक बड़ा सा बैटरा लगा हुआ है जो कि 25W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। हालांकि दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको कोई भी एडेप्टर नहीं मिलेगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई, तो आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलने वाला है, बैटरी से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। चलिए अब बात कर लेते कुछ एडवांस फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, लेकिन दोस्तों ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वैसे यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 बेस 1 UI 6 पर रन करता है और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपको यहाँ पर 4 साल तक के मेजर अपडेट मिलने वाले हैं, यानी कि आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 18 तक का सपोर्ट मिल जाएगा, तो 4 साल के लिए तो नो टेंशन। और साथ ही साथ सैमसंग गैलेक्सी नॉक्स सिक्योरिटी भी आपको मिल जाती है। और रही बात 5G बैंड्स की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन अप टू 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है, सो आपको यहाँ पर 5G यानी कि फ्यूचर के लिए भी कोई टेंशन नहीं आने वाली। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 12,999 रुपए। सो आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन चेकआउट कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा।